नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रो एप्लीकेशन का जो वॉलेट है वो एक्चुअली में काम किस तरीके से करता है, क्यों हम उसमें से पैसे को अपने बैंक अकाउंट में नहीं ले पाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर जो ग्रो एप्लीकेशन का वॉलेट है वो एक्चुअली में किस तरीके से काम करता है और वो एक्चुअली में किसके लिए बना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। मैं यहाँ पर गूगल में सर्च बार में लिख देता हूँ ग्रो, ठीक है। ग्रो लिखने के बाद हमारे सामने ग्रो एप्लीकेशन की वेबसाइट यहां पर आ चुकी है। और वेबसाइट जैसे ही यहां पर ओपन होती है आपको यहां पर जो ग्रो एप्लीकेशन का पूरा इंटरफेस है आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है स्टॉक, एफ एंड ओ, इसी के साथ में म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब आपको इन तीनों चीजों को यहां पर समझना है, ठीक है, आपको वॉलेट खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में यहां पर स्टॉक क्या होता है, किसी भी कंपनी के शेयर या फिर किसी भी बैंक की के शेयर, ठीक है। अब शेयर को हम यहां पर स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है, काफी लोगों को ना पता हो तो चलिए मैं यहां पर बता देता हूं। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर बोलते हैं तो वहां पर हम स्टॉक भी बोल सकते हैं और शेयर भी बोलते हैं, क्योंकि शेयर और स्टॉक समझो एक ही चीज होती है। इसी के साथ में यहां पर मिल जाता है एफ एंड ओ, तो यहां पर इसमें भी आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर यहां पर म्यूचुअल फंड और इसी के साथ में SIP, ठीक है। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं यहां पर म्यूचुअल फंड का पूरा डैशबोर्ड यहां पर ओपन हो गया है, ठीक है। यहां पर ये तीनों चीजें हैं वो समझो अलग अलग हैं, ठीक है। अब यहां पर हम डैशबोर्ड पे सिंपली क्लिक करते हैं, तो यहां पर जो भी हमने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया है तो यहां पर म्यूचुअल फंड से ही रिलेटेड यहां पर जानकारी आएगी। और यहां पर हम कुछ भी यहां पर सर्च करेंगे तो वो हमारे सामने वही सारी जानकारी आएगी म्यूचुअल फंड से ही रिलेटेड, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पर लिखता हूं कॉन्ट्रा, यहां पर मैं एंटर कर देता हूं, ठीक है। देख सकते हैं यहां पर आपको देखने को मिल रहा है SBI कॉन्ट्रा फंड, ठीक है, म्यूचुअल फंड, इसी के साथ में स्टॉक 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 स्टॉक। तो जब भी अगर आप इसमें पैसे को निवेश करना है तो आपको इन सारी चीजों को यहां पर देख लेना है, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं वीडियो को ना देरी करते हुए यानी कि ना बढ़ाते हुए, तो हम चलिए यहां पर चलते हैं वॉलेट पे। वॉलेट पे हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सिंपली वॉलेट पे सिंपली क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है 4 स्टॉक और इसी के साथ में एफ एंड ओ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको यहां पर म्यूचुअल फंड या फिर SIP का यहां पर ऑप्शन ही देखने को नहीं मिला है। पहले था जब भी ये था कि 2022 में यहां पर एक न्यू पॉलिसी में अपडेट किया गया था, ठीक है, कि यहां पर जो पैसा है कि आप यहां पर म्यूचुअल फंड में या फिर SIP में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जो भी अगर आप ग्रो वॉलेट में पैसे को रखेंगे वो स्टॉक में किसी भी कंपनी के शेयर या फिर किसी भी बैंक के शेयर आप खरीद सकते हैं। बस शेयर खरीदने के लिए ही आप इसमें पैसे को अपना रख सकते हैं। उसके बाद में अगर आप म्यूचुअल फंड या फिर SIP करते हैं तो डायरेक्ट आप अपने बैंक से काटेंगे या फिर नेट बैंकिंग या फिर ATM या फिर UPI का आप सहारा ले सकते हैं, जो कि मैंने भी इसमें पैसों को निवेश किया था और उसके बाद में मैं यहां पर म्यूचुअल फंड करने की कोशिश कर रहा था पर नहीं हो पाया था। उसके बाद मैंने इसकी सारी टर्म कंडीशंस हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, मैंने यहां पर सारी चीजों को पढ़ा और उसके बाद में मुझे पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। अब एक्चुअली में ऐसा नहीं है, अगर आप इसमें पैसा गलती से आपका ऐड भी हो जाता है तो आप अपने बैंक अकाउंट में नहीं ले सकते हैं, ठीक है, उसका भी मैं चलिए आपको बता देता हूं। यह कहता है ग्रो एप्लीकेशन का वॉलेट कि अगर आप इसमें पैसे को ऐड कर देते हैं तो विड्रॉल में जो आपका पैसा होगा वो तभी जाएगा 24 घंटे से 48 घंटे बाद, ठीक है। कहने का मतलब है 24 घंटे तो लग ही जाएंगे और अगर आपने ट्रेड कर रखा है यानी कि किसी भी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं और उसके बाद में आपने उन शेयरों को बेच दिया है तो वो पैसा आपका आएगा वॉलेट में। वॉलेट में आने के बाद उसके बाद में आपका जाएगा जो कि आप बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये वॉलेट है वो कुछ बैंक से थोड़ा अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है इनकी पॉलिसी होता है, इन्होंने ये पॉलिसी इसलिए बनाई हो कि अगर ये वॉलेट में पैसे को रखेंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा स्टॉक में पैसे को इन्वेस्ट करेंगे यानी कि किसी भी कंपनी के शेयर खरीदेंगे, ठीक है। तो हालांकि ये आइडिया तो मुझे सबसे ज्यादा गलत लगा है, क्योंकि अगर हम ग्रो एप्लीकेशन सही या फिर कोई भी वॉलेट सही और हम उसके अंदर पैसे को ऐड कर रहे हैं तो जो भी वो एप्लीकेशन है या फिर जो भी वेबसाइट है वो वहां पर सुविधा देती है, ठीक है, और उस वॉलेट से पैसे से हम जहां पर भी उसके अंदर यूज करना चाहें कर सकें, तो ठीक है। ऐसी
जो पॉलिसी है वो यहाँ पर लागू होना चाहिए थी, ठीक है। पर काफी लोगों को यहाँ पर पता नहीं होता है, वो अनजान होते हैं, तो वो पैसे को यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं तो वो पैसे को नहीं निकाल पाते हैं, उनके सामने यहाँ पर एरर आ जाता है लिखा हुआ, ठीक है, या फिर कोई अन रीजन भी दे देते हैं ये लिखा हुआ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपने इसमें पैसों को ऐड कर दिया है तो आप 24 से 25 घंटे बाद आप इन पैसों को अपने बैंक अकाउंट में ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस पैसे से हम स्टॉक खरीदते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी या होगी कि नहीं होगी। अगर आप किसी भी गलत कंपनी के यानी कि शेयर खरीद लेंगे तो हो सकता है उसके दिन ही दिन में शेयर गिर जाए, ठीक है, तो आपको वहाँ पर नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप जब भी अगर आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बहुत ही सोच समझ के करें, ध्यान से करें, ठीक है। हालांकि मैं आपसे कहूँगा अगर आप इसमें 1-2 लाख या फिर 1-2 लाख रुपए से पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि किसी भी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, तो आपको अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए तभी आप यहाँ पर प्रॉफिट ले सकते हैं, अन्यथा आप इसमें पैसे को निवेश ना करें, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और